जमा दादी साथियों, मैं नंद विश्वकर्मा आप सभी का अपने चैनल नंद विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में परिमेय संख्याओं के गुणा व भाग देने के नियम बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका नियम देखें, जैसे a बटे बी है गुणे सी बटे डी है, तो गुणा के नियम में क्या करते हैं, सामने का सामने गुणा करते हैं, अर्थात ए गुणे सी और बी गुणे डी, जो आपका मान प्राप्त होगा इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अंकित 2/3 गुणे 4/5, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, तब कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 5 × 3 इस प्रकार में। लेकिन यदि सी का अगला नियम देखें, ए बटे सी गुणे सी बटे डी है, इस प्रकार एक जैसी संख्या है तो इससे संख्या कट जाती है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, पर जो ऐसी एक संख्या है एक जैसी तब भी काट देते हैं। जैसे हम देखें, मान एक ही प्राप्त हुआ, चाहे आप इस प्रकार कर लें चाहे उस प्रकार, जैसे हमने लिखा 2/3 गुणे 3/5, यही संख्या ले ली, तो सॉरी इसमें 4 × 3 लिया, 3 × 3 क्रॉस कर देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 2/5। और वैसा वैसे लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे तो इसका ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो 6, नीचे का नीचे 5, 5 × 3 = 15, फिर इससे क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड होगा तो 3 × 6 = 15, तो दोनों में मान क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। यदि ऐसे संख्या एक समान है इस प्रकार के में तब भी कट जाती है, और इस प्रकार में है तब भी कट जाती है, वह काट कर आप आगे बढ़ सकते हैं, तो नहीं तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। यह था परिमेय संख्या के गुणाकन। अब देखते हैं परिमेय संख्या के भाग का नियम, हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को किस प्रकार भाग दे सकते हैं, दो संख्या है हम उन्हें भाग देना है तो इसको किस प्रकार भाग दे सकते हैं। जैसे डायरेक्ट में इसमें आपको अंकित से एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, 4/5 / 2/3, तो जो भाग होता है भाग कभी भाग में स्वल्प नहीं होता, इसे हमें किस में लेना पड़ता है, गुणा। तो पहले अंक आपको जो भी दिया है भिन्न या परिमेय संख्या उसकी जगह पर क्यों लिखें, भाग के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह करेंगे, वो जो नीचे है उसे ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है उसे नीचे कर देंगे, कहने का तात्पर्य है अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, तब क्या हो जाएगा, 3/2, और फिर गुणा के प्रोसेस का गुणा कर देंगे, अर्थात 3 × 4 में करेंगे सामने का सामने तो 12, तो 5 × 2 में करेंगे तो 10, इस प्रकार आप आसानी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जब गुणा में आ जाता तो वही नियम लागू होगा, ये इस प्रकार कटती है तो कट जाएंगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेंगी, जैसे यहाँ पर एक कट रही है तो काट सकती है चाहे, तो इस प्रकार हम भाग दे सकते हैं। जय माता दी साथियों।